नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात नारी की। महिला भारत की जनसंख्या का आधा हिस्सा है। समय आ गया है कि हम समीक्षा करें कि उन्होंने सामाजिक आर्थिक रूप से कितनी प्रगति की है, जिससे उनके सशक्तिकरण का अंदाजा लगाया जा सके। ये दुखद है कि कुछ सेक्टर्स को छोड़कर प्रोफेशनल और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। पहले के भारत की तुलना में अब के भारत को अगर देखा जाए तो देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बड़ी जरूर है, लेकिन उतनी नहीं जितनी बढ़नी चाहिए। महिलाओं की स्थिति में बदलाव हुआ जरूर है, लेकिन बहुत कम। इन बदलावों के पीछे की सामाजिक और राजनीतिक सोच क्या रही, और जब हम सतत विकास के लक्ष्यों की बात करते हैं तो ये बदलाव कितना उत्साहजनक है, क्या ये बदलाव काफी है? इन्हीं सवालों और मुद्दों पर बेस्ड है हमारी आज की ये पेशकश। तो चलिए करते हैं शुरुआत। भारत आज हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बदलाव भी देश में देखा जा सकता है। लेकिन एक मुद्दा है जिसकी सूरत जिस तरीके से बदलनी चाहिए तो वो नहीं बदली। देश के आजाद होने के बाद से ही देश में महिलाओं के हक, उनके सशक्तिकरण, बराबरी, देश के विकास में उनकी भागीदारी, समाज में उनके लिए चुनौतियां और आगे की क्या है संभावना, इस पर चर्चा जरूर होती रही है। लेकिन आज भी जब आंकड़े सामने आते हैं तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने ये हाल ही में वुमेन एंड मेन इंडिया रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक संकेतकों को समेकित करती है जो देश में लिंग अनुपात की स्थिति को चित्रित करती है। ये रिपोर्ट सालाना MOSPI द्वारा प्रकाशित की जाती है। चलिए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में क्या है स्थिति महिलाओं की, ये जान लेते हैं। शिक्षा, भारत की साक्षरता दर 2011 में 73 से बढ़कर 2017 में 73 से ज्यादा हो गई। साक्षरता दर में लिंग अंतर राजस्थान, बिहार, यूपी में सबसे ज्यादा था। 15 साल की उम्र की केवल 3% महिलाओं ने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। दूसरी ओर उसी क्रम के 12.8% पुरुषों ने स्नातक की पढ़ाई की। 8% महिला छात्र 10वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त कर रही थी। अब अर्थव्यवस्था में क्या है महिलाओं की भागीदारी, ये जान लेते हैं। आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी, ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिक आबादी का अनुपात पुरुषों के लिए 1 और महिलाओं के लिए 19 था। शहरी क्षेत्र में ये पुरुषों के लिए 52.7 और महिलाओं के लिए 14.5 था। 15 वर्ष की आयु में महिला आबादी द्वारा अर्जित प्रति घंटे औसत वेतन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 147 रुपए प्रति घंटे में उच्चतम था। इसके बाद लक्षद्वीप और नागालैंड का स्थान है। सबसे कम दमन और दीव ओडिशा के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में था। 15 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग में पुरुष आबादी द्वारा अर्जित औसत वेतन लक्षद्वीप में उच्चतम 121 रुपए प्रति घंटा था। निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी, केंद्रीय मंत्री परिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 2020 में 26% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 437.8 मिलियन महिला मतदाता थीं। पंचायती राज संस्थाओं में सबसे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में देखी गई। जनसंख्या संबंधी आंकड़े, 2021 में भारत की अनुमानित जनसंख्या 13 करोड़ है। 2001 में लिंगानुपात 933 से बढ़कर 2011 में 943 हो गया। दिल्ली ने लिंगानुपात में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की, जिसके बाद चंडीगढ़ अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। दूसरी ओर दमन और दीव में लिंगानुपात में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े,
25 से 29 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं के लिए आयु विशिष्ट प्रजनन दर 4 थी। शिशु मृत्यु दर 2014 में 39 से घटकर 2018 में 32 हो गई। मातृ मृत्यु दर 2007 से 9 में 2012 से घटकर 2016 से 18 में 113 हो गई। 2018 में ग्रामीण भारत की कुल प्रजनन दर 3 थी। 2018 में शहरी क्षेत्रों में ये 1.7 थी। किशोर प्रजनन दर 2017 में 13 से घटकर 2018 में 2 हो गई। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS 5 के अनुसार गोवा, केरल, लक्षद्वीप राज्यों में लगभग 100% संस्थागत प्रसव देखा गया। प्रति 1000 लोगों पर HIV की घटना 2017 में 7 से घटकर 2019 में 0.05 हो गई। आज भी कुछ सेक्टर्स को छोड़कर प्रोफेशनल और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, जो दर्शाता है कि आज भी महिलाएं सामाजिक पाबंदियों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती। ये बेहद दुखद है कि आज भी कुछ सेक्टर्स को छोड़कर प्रोफेशनल और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास रिपोर्ट में लैंगिक असमानता सूचकांक को देखा जाए तो भारत 159 देशों में 125वें स्थान पर है। विश्व आर्थिक फोरम में जेंडर गैप इंडेक्स पर भी भारत 144 देशों में 108वें स्थान पर है। आर्थिक समीक्षा 2017 से 18 में भारत में बेटे को तरजीह देने के बारे में चर्चा की गई है। लड़कियों के साथ भेदभाव बचपन से ही शुरू हो जाता है। लड़कों की तुलना में लड़कियों को सर्वश्रेष्ठ इलाज नहीं मिलता है और ना ही उन्हें खाने में सबसे बेहतर चीजें मिलती हैं। कम आय वाले घरों में लड़कियां कुपोषण के बीच बड़ी होती है और जीवन में आगे चलकर एनीमिया का शिकार हो जाती है। साल 2017 में 14 से 49 साल की 51% भारतीय महिलाएं एनीमिया की शिकार थी, जो दुनिया में अधिकतम है। ये बच्चे को जन्म देने के समय खतरे का सबब बनती है। भारत में जन्म देते हुए माताओं की मृत्यु दर बहुत ज्यादा होने के पीछे ये एक प्रमुख कारण है। भारत में प्रति 1,00,000 जन्म पर 167 माताओं की जान जाती है। बच्चियों के किशोरावस्था में पहुंचते ही उन्हें स्कूल से निकाल लिया जाता है, खासकर उन स्कूलों से जहां लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं है। इसलिए मिडिल और सेकेंडरी स्कूलों में लड़कियों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर लड़कों की तुलना में काफी ज्यादा है। आज 25 साल से ज्यादा से उम्र की महिलाओं का शिक्षा स्तर पुरुषों से कम है और उनमें से केवल 35.3% ही सेकेंडरी स्तर तक पढ़ पाती हैं। भारत के बारे में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के तौर पर चर्चा की जाती है, लेकिन सच ये है कि ये महिलाओं के लिए दुनिया में सबसे असुरक्षित स्थानों में से एक है। हर रोज महिलाओं के खिलाफ हिंसा के समाचार आते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पुरुषों के रुख में बदलाव आना जरूरी है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा अंततः राज्य की जिम्मेदारी है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के ताजा परिणामों में खुलासा हुआ है कि अपने परिवारों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की छूट केवल 20% महिलाओं को है। 61% महिलाओं ने बताया कि महत्वपूर्ण निर्णय पति पत्नी संयुक्त रूप से लेते हैं। केवल 7% ने ही कहा कि सारे फैसले पति लेते हैं। क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि आज 42% महिलाएं अपने पतियों के बराबर कमा रही हैं? 21वीं सदी में महिलाओं का अब जल्दी विवाह भी नहीं होता है, लेकिन अभी भी पतियों का प्रभुत्व कायम है। महिलाएं परिवारों के पालन पोषण के लिए काम करना छोड़ देती हैं, पर बाद में उन्हें काम मिलना आसान नहीं होता। इसीलिए भारत में बहुत सी शिक्षित महिलाएं काम नहीं कर रही हैं।
एक बार छोड़ने बाद नौकरी के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने की सुविधा भारत में न के बराबर है। हालांकि कुछ महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर काम में महिलाओं की भागीदारी श्रम बल के तौर पर ब्रिक्स देशों की तुलना में बहुत कम 26% है। इसका कारण महिलाओं के सामने आने वो भी बाधाएं हैं जिनका सामना काम करने पर करना पड़ता है। कई मामलों में पति की अच्छी आय शुरू होते ही वो काम करना बंद कर देती हैं। कई पुरुष भी कामकाजी महिलाओं को पसंद नहीं करते हैं। उनका मानना है कि वो घर की जिम्मेदारी और बच्चों के पालन पोषण को उपेक्षित करती हैं। मध्य और उच्च आय वर्ग में महिलाओं के घरेलू बने रहने पर ज्यादा जोर है। महिलाओं की मजदूरी पुरुषों से काफी कम है। दूरदराज के गांवों में महिलाओं को पानी भरने से लेकर जलावन के लिए लकड़ी एकत्र करना, मवेशियों की देखभाल और घर के बुजुर्गों और बच्चों की सेवा करनी पड़ती है। उनका पूरा दिन इस भागदौड़ में गुजर जाता है। लाखों ग्रामीण महिलाओं के लिए जीवन कठोर है। इनमें से कईयों को गैर सरकारी संगठनों ने इस दुष्चक्र से निकलने में मदद की। आज इन महिलाओं को एक साथ काम करने, नए हुनर सीखने और इसके एवज में होने वाली कमाई से आनंद मिलता है। कृषि में महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। हालांकि वो औसतन घर के पुरुष से कहीं ज्यादा काम करती हैं, लेकिन उनके इस काम का न कोई भुगतान है न पहचान। कई अन्य देशों, खासकर स्कैंडिनेवियाई देशों की तरह भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण भी संभव है। इसके लिए उन्हें काम कर आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करनी होगी, अपने प्रजनन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, परिवार के मामलों में मजबूती से आवाज रखनी होगी और राजनीति में अनुपात में प्रतिनिधित्व हासिल करना होगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से उस देश के विकास के बारे में पता चलता है। जानते हैं भारत की अर्थव्यवस्था में भारतीय महिलाओं की क्या है भागीदारी। भारत की अर्थव्यवस्था से भारत के का पता है, लेकिन इस अर्थव्यवस्था में भारतीय महिलाओं की क्या है भागीदारी, ये जानना बहुत जरूरी है। भारतीय महिला हाल ही में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि 2019 के अनुसार कार्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में भारी गिरावट देखने को मिली है। वर्ष 2011 से 19 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी 35.8% से घटकर 26.4% फोरम यानी कि WEF की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और इसके लिए उपलब्ध अवसरों के संदर्भ में भारत एकमात्र ऐसा था जिसमें आर्थिक भागीदारी में लैंगिक अंतराल राजनीतिक लैंगिक अंतराल से अधिक पाया गया। अक्टूबर 2020 में जारी आवधिक श्रम बल PLFS से रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर दिसंबर 2019 में महिला बेरोजगारी की दर 9.8% रही, जो वर्ष 2019 में जुलाई सितंबर की तिमाही के आंकड़ों से अधिक है। गौरतलब है कि COVID-19 महामारी देश भर में बेरोजगारी की वृद्धि, इसके असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति देखें तो कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी, इनमें से अधिकांश भूमिहीन श्रमिक हैं जिन्हें स्वास्थ्य, सामाजिक या आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती। आखिर आर्थिक तौर पर महिलाओं की स्थिति इतनी कमजोर क्यों है, क्या है इसके कारण। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान और उससे पहले भी कई सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा महिला अधिकार के मुद्दों को बहुत ही प्रमुखता से आगे रखा गया। देश की स्वतंत्रता के बाद भी महिला अधिकारों और कार्यक्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में सामाजिक और राजनीतिक हस्तक्षेप जारी रहे हैं, लेकिन देश के विकास के साथ साथ इस दिशा में अपेक्षित सुधार देखने को नहीं मिला है। भारत में कार्यक्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में कमी के कारणों को बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। सामाजिक और भूमि। भारत में लंबी धर्मों और वर्गों के लोगों में लंबे समय समाज की मुख्य धारा में महिलाओं की सक्रिय भूमिका को लेकर अधिक स्वीकार्यता नहीं। मान में भी देश के कई हिस्सों में महिलाओं को घरेलू कामकाज या अध्यापक अथवा नर्स आदि जैसी भूमिकाओं में ही कार्य करने को प्राथमिकता दी जाती है। सामाजिक दबाव और विरोध के भय से कुछ पारंपरिक क्षेत्रों को छोड़कर आमतौर पर अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी कम ही रही है। भारतीय समाज में व्याप्त इस भेदभाव की शुरुआत बच्चे के जन्म से ही हो जाती है। उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसरों की कमी।
देश में प्रारंभिक शिक्षा के मामले में व्याप्त लैंगिक असमानता को दूर करने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। हालांकि उच्च शिक्षा और पेशेवर प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी में कमी अभी भी बनी हुई है। प्रौद्योगिकी और तकनीकी से संबंधित पाठ्यक्रमों में नामांकित पुरुष छात्रों 71.1% की तुलना में महिला छात्रों 28.9% की भागीदारी काफी कम रही। संसाधनों की कमी। कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी शिक्षा और रोजगार के अवसरों की उपलब्धता के साथ आवश्यक संस्थानों की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। देश में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों में घर से कार्यस्थल की दूरी 24 घंटे यातायात के सुरक्षित साधन सार्वजनिक स्थलों पर प्रसाधन या अन्य आवश्यक संसाधनों का न होना और इनकी वहनीयता भी महिलाओं की भागीदारी में कमी का भी एक प्रमुख कारण है। इन संसाधनों की उपलब्धता का प्रभाव उनके स्वास्थ्य और कार्य क्षमता पर भी पड़ता है। कार्यस्थलों पर भेदभाव और शोषण। कार्यस्थलों पर होने वाला भेदभाव महिलाओं के विकास में एक बड़ी बाधा रहा है। देश में सक्रिय सार्वजनिक सेना पुलिस आदि और निजी क्षेत्र के अधिकांश संस्थानों में शीर्ष निर्णायक पदों पर महिला अधिकारियों की कमी इस भेदभाव का एक स्पष्ट प्रमाण है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भूमिका अधिक होने के बावजूद भी समाज के साथ साथ सरकार की योजनाओं में इसकी स्वीकार्यता की कमी दिखाई देती है। कार्यस्थलों पर भेदभाव और शोषण की घटनाएं पीड़ित व्यक्ति के साथ आकांक्षी युवाओं के मनोबल को भी कमजोर करती है। नीतिगत असफलता। देश की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने में सरकार की नीतियां ज्यादा सफल नहीं रही हैं। इसका एक कारण भारतीय राजनीति और नीति निर्माण संबंधी अन्य महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व में कमी को माना जा सकता है। क्या है भारतीय महिलाओं के सामने चुनौतियां? भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कोविड 19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के कारण अप्रैल और मई माह में 39% कामकाजी महिलाओं को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार पुरुषों की तुलना में भारतीय महिलाओं को बिना भुगतान के घरेलू कार्यों में योगदान देना पड़ता है। कोविड 19 के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में भारी वृद्धि देखी गई थी। साथ ही इस दौरान महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार की पहुंच बाधित हुई है, जो पिछले कई वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में हुए सुधार के प्रयासों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में देश के श्रम कानूनों में बड़े बदलाव किए गए हैं। हालांकि इनमें देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने, कार्यस्थलों पर महिला हितों की रक्षा आदि मुद्दों के संदर्भ में कोई विशेष सुधार नहीं किया गया है। इसका समाधान कैसे निकलेगा, कैसे महिलाओं के रास्ते खुलेंगे और कैसे वो आगे बढ़ेंगी, कैसे निकलेगा इसका समाधान? वर्तमान समय में देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के साथ कार्यस्थलों पर व्याप्त भेदभाव और महिला सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को अपनाया जाना चाहिए। सरकार को असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं के लिए लक्षित योजनाओं के साथ अर्थव्यवस्था के सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी और उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करने से जुड़े प्रयासों पर विशेष ध्यान देना होगा। कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए यातायात साधनों की पहुंच में विस्तार के साथ सार्वजनिक स्थलों पर प्रसाधन केंद्रों आदि के तंत्र को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक है। अब आपको मिलाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी। सपने सभी देखते हैं, लेकिन हर चुनौती से लड़कर उन्हें साकार कर पाना मुश्किल हो जाता है, खासकर एक महिला के लिए। लेकिन इन्होंने सपने देखे भी और उन्हें साकार भी किया। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। जनतंत्र टीवी की खास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, शख्सियत कहें या महिलाओं के लिए प्रेरणा कहें, उनका नाम है गुली रंधावा। ये मिस इंडिया 2017 दुबई रह चुकी हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये न सिर्फ मिस इंडिया 2017 रह चुकी हैं, बल्कि ये अपना बिजनेस भी चला रही हैं और उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो महिलाएं सिर्फ सपने देखकर कहीं ना कहीं रह जाती, क्योंकि सपने देखना शायद बहुत आसान होता है, उनको कैसे पूरा किया जाता है ये हम जानेंगे गुलीन जी से। गुलीन जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप इतने आगे तक आए, आप एक बिजनेस वुमन भी हैं, आपने मॉडलिंग से जब स्टार्ट किया था तो किस तरह से इंस्पिरेशन मिली थी, कहाँ से शुरू किया और किस तरह से यहाँ तक पहुँची? जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तो मैं हमेशा मॉडलिंग देखती थी
और मेरे फादर मुझे मना करते थे कि आपने ये सब नहीं करना, आप स्टडी करें अपनी कंप्लीट और जस्ट स्टार्ट विद योर करियर, और आप डॉक्टर्स और इंजीनियर्स नहीं, जिस तरह से वो एक फील्ड है ऐसे ये भी एक फील्ड है. सो नाउ लाइक मॉडलिंग इज़ माई पैशन एंड आई एम इन टू बिजनेस टू इन दुबई, इन कैनेडा, इन यूरोप. सो आई एम बैलेंसिंग एवरी थिंग इन अ वेरी नाइस मैनर. ठीक है, ये तो आप बैलेंस तो कर रहे हैं, लेकिन देखा जाता है तो एक लड़की जिस तरह से आगे बढ़ती काफी सारे हर्डल्स सामने आते हैं. फिर चाहे फैमिली की तरफ से फाउंडेशंस हो या फिर समाज की तरफ से कुछ कहा जाता है, कभी कभी डिमोटिवेशन मिल जाता है. दैट इज ऑलवेज देयर. आगे बढ़ाने के लिए कैसे मेहनत करनी होती है और इंस्पिरेशन जो मिलती है, आपकी फैमिली में ऐसा कौन सा शख्स जिसने सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट किया? मेरी पूरी फैमिली में, टू बी बहुत, अगर मैं ईमानदारी से इस बात का जवाब दूं, तो मेरी पूरी फैमिली ने ही मेरी बहुत सपोर्ट की है. उन्होंने हमेशा मेरे हर डिसीजन की रिस्पेक्ट की है. उन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत चीज़ें, यू आर वेरी राइट, लड़की के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें शी हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, उसको लोग बोल रहे हैं उसके बारे में गलत बात हो रही, वेरी राइट, यू आर वेरी राइट, वेरी राइट. लेकिन मेरी फैमिली ने और मेरे जो अपने माई डिग्निटी एंड माई कॉन्फिडेंस, उसने मुझे कभी रुकने नहीं दिया लाइफ में. लेकिन रोकने वाले बहुत हैं, तो लेकिन कभी भी किसी ने नहीं रुकना, कभी भी नहीं. गुलिन जी, अगला सवाल मेरा होगा आपसे आपके बिजनेस को लेकर, क्योंकि आप मॉडलिंग में हैं, आप मिस इंडिया 2017 दुबई रह चुके हो. ऐसे में जब मेरा ये सवाल सामने आता है कि आप बिजनेस को भी संभाल रहे हो, अपने पैशन को भी जी रहे हो, हर चीज को बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक लड़की के सामने जैसा कि मैंने बोला काफी सारे हर्डल्स होते हैं. कैसे आप अपने बिजनेस लाइफ और अपनी मॉडलिंग वाली लाइफ को बैलेंस करते हो? मैं इस चीज को बहुत स्केजुअली देखती हूँ. आई स्केजुअल माई लाइफ इन अ वेरी प्रॉपर वे, इन अ वेरी एक्यूरेट वे, कि ये टाइम जो है ये मेरे मॉडलिंग का टाइम है, अभी आई एम इन दुबई तो ये मेरे बिजनेस का टाइम है, नाउ दिस इज़ माई फैमिली टाइम एंड दिस इज़ माई फ्रेंड्स टाइम. इतना ईजी होता नहीं है, ये ऑलवेज वेरी बिजी, लेकिन बिजनेस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट इज़ अ सीरियस थिंग. इवन मॉडलिंग इज़ वेरी, दैट इज़ माई एब्सोल्यूट सीरियस प्रोफेशन. आई नेवर टेक मॉडलिंग एज अ ग्रांटेड थिंग, इट्स ओके नहीं करनी, ऐसा नॉट इन द मूडी वे. आई एम ऑलवेज लाइक टेकिंग माई थिंग्स वेरी सीरियसली, वेरी रिलीजियसली, जैसे कोई धर्म निभाता है अपना. मेरे लिए मॉडलिंग और मेरा बिजनेस ऐसे है. तो वक्त आ गया है कि आप आगे बढ़े, देश की तरक्की में अपना योगदान दें. इसके लिए आपको, यानी कि महिलाओं को, काम कर आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करनी होगी, अपने प्रजनन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, परिवार के मामलों में मजबूती से आवाज रखनी होगी और राजनीति में उचित अनुपात में प्रतिनिधित्व हासिल करना होगा. तो सपने सिर्फ देखो मत, उन्हें साकार भी करो. चलिए, इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही. देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी. नमस्कार. खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट.